फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉम एंड किड्स क्रिएटिविटी। आज हम सीखेंगे शिनचैन एंड ट्रू रिवन ड्राइंग। फर्स्ट हम शिनचैन का फेस बनाएंगे। तो शिनचैन का फेस बनाने के लिए ऐसे हम एक स्लेंटिंग लाइन लेंगे। फर्स्ट यहाँ स्लेंटिंग लाइन से कनेक्ट करेंगे ईयर लाइन लाइक दिस, एंड यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे शिनचैन की टंग एंड चीक लाइक दिस। अब हेयर ड्रॉ करेंगे शिनचैन के लाइक पहले ऐसे आईब्रो स्टाइल बनाएंगे कर्व। वन मोर लाइक दिस। इन दोनों कर्व्स को कनेक्ट करेंगे ऐसे स्लेंटिंग लाइन से और यहाँ से एक कर्व लाइन से लाइक दिस। सेम हियर यहाँ भी कर्व लाइन से कनेक्ट करेंगे एंड यहाँ ईयर से इस लाइन को हम डबल करेंगे। शिनचैन का फेस बनाने के लिए हमने बनाई पहले स्लैंटिंग लाइन। स्लैंटिंग लाइन से कनेक्ट किया हमने ईयर, देन टंग। टंग के बाद हमने बनाया चीक का कर्व, देन आईब्रो शेप हेयर इन कर्व लाइंस, देन कनेक्टेड विद स्लैंटिंग लाइन एंड कर्व लाइंस एंड ईयर के पास से लाइन को हमने डबल कर दिया। अब हम बनाएंगे सर्कल आइज। सर्कल के अंदर सर्कल आईब्रोज आईज के नीचे ऐसे छोटी छोटी स्लैंटिंग लाइंस। ये जो हमारी लाइन है फेस लाइन जो हमने स्लैंटिंग शेप में बनाई थी इसको हम हल्का सा एक्सटेंड करेंगे लाइक दिस और इसी से यही हमारी हैंड लाइन भी बन जाएगी। इसी से हम हैंड कनेक्ट कर रहे हैं। एक स्लैंटिंग लाइन लाइक दिस। यहाँ पर हम ऐसे कर्व बना देंगे, इस कर्व से कनेक्ट करेंगे टू स्टैंडिंग लाइंस हैंड को शेप देंगे लाइक दिस। ऐसे कर्व बनाया, थंब बनाएंगे हम के ऊपर हम बनाएंगे वी, लेटर वी। इस लेटर वी को हम डबल कर देंगे लाइक दिस। यहां से हम बनाएंगे टू मोर फिंगर्स लाइक दिस। ये बन गया शिनचैन का हैंड। अब ड्रॉ करेंगे शिनचैन की लोअर बॉडी। यहाँ से हैंड की जो सेकेंड लाइन है कनेक्ट करेंगे शिनचैन की जैकेट स्लेंटिंग लाइन कर्व लाइन देते हुए इसे यहाँ से जो ये फेस लाइन है
यहाँ से कनेक्ट करेंगे हल्का सा अप एंड डाउन देते हुए लाइक दिस। फेस की लाइन पर थोड़ा सा डिस्टेंस देते हुए फिर से बनाएंगे शिनचेन की ड्रेस का एक और पार्ट। दिस पार्ट क्योंकि शिनचेन थोड़ा सा तिरछा खड़ा हुआ है ऐसे छोटा बनाएंगे दिस पार्ट। यहाँ भी हल्का सा अप एंड डाउन कर्व लाइन, बीच में ऐसे शेप देंगे लाइक टी शर्ट। अब हम शॉर्ट्स ड्रॉ करेंगे शिनचेन के स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, पैंट्स की शेप देंगे यहाँ से बीच में से ऐसे। अगेन यहाँ से हम बहुत ही हल्का सा छोटी लाइन बनाएंगे। नेक्स्ट बनाने के लिए ऐसे हम वी बनाएंगे बोथ द साइड, वी को हाफ कर देंगे लाइक दिस। ये सॉक्स हमने बनाए हैं शिनचेन के एंड नीचे कनेक्ट करेंगे शूज कर्व लाइन से लाइक दिस। शिनचेन इज कंप्लीट। अब हम डोरेमोन बनाएंगे। डोरेमोन का फेस हम शिनचेन का जो ये चीक कर्व है यहीं से बनाएंगे लाइक डोरेमोन और शिनचेन एक दूसरे को हग कर रहे हैं। तो यहाँ शिनचेन के चीक कर्व से हम बनाएंगे डोरेमोन का फेस कर्व लाइक दिस। फर्स्ट ऐसे सर्कल बना लेंगे। सर्कल में यहाँ ऊपर हम ड्रॉ करेंगे ओवल आइज। एक आई के अंदर हम ऐसे ओवल बना देंगे एंड दूसरी आई में ड्रॉ करेंगे स्लैंटिंग लाइन लाइक दिस। यहाँ से डोरेमोन की फेस लाइन को हम डबल करेंगे। दोनों आईज के मिडिल में बनाएंगे सर्कल नोज। नोज से कनेक्ट करेंगे एक स्टैंडिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन से कनेक्ट करेंगे ऐसे स्लीपिंग लाइन। यहाँ पे एक छोटा सा कर्व बनाते हुए विस्कर्स बनाएंगे और यहाँ स्लीपिंग लाइन के नीचे हम ड्रॉ करेंगे टंग। यहाँ जो ये फेस कर्व है यहाँ पर बनाएंगे वन मोर कर्व छोटा सा सर्कल। यहाँ पर हमने एक सर्कल बनाया है, सर्कल में बनाएंगे एक स्लीपिंग लाइन और ऐसे एक स्टैंडिंग लाइन छोटी सी। यहाँ फेस कर्व में भी हम इस तरह से एक स्लीपिंग लाइन बनाएंगे शिनचेन के फेस के पास से। डोरेमोन का हैंड हमने बनाया है और डोरेमोन के इस हैंड के पास से हम बनाएंगे वन हैंड शिनचेन का लाइक दिस।
डोरेमोन और शिनचैन ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। अब बनाएंगे डोरेमोन की लोअर बॉडी, यहाँ से ऐसे हम कर्व बनाएंगे। यहाँ कर्व से हम कनेक्ट करेंगे ऐसे एक ओवल शेप लाइक दिस, वन फ्रॉम हियर। कर्व में बनाएंगे एक डी शेप, एंड यहाँ से कनेक्ट करेंगे ऐसे डोरेमोन का हैंड, कर्व लाइन और एक सर्कल, एक डबल लाइन्स को बीच में इसको मिटा देंगे। अब हम ब्लैक स्केच पेन से आउटलाइन करेंगे अपनी ड्राइंग को। कलर करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ फेबर कैसल के प्लास्टिक क्रेयॉन्स। फर्स्ट शिनचैन की आईज और हेयर में करेंगे ब्लैक कलर। शिनचैन की टंग और टी शर्ट में करेंगे रेड कलर। डोरेमोन की नोज और टंग में भी करेंगे रेड कलर। शिनचैन के हैंड्स, फेस एंड लेग्स में करेंगे स्किन कलर। शिनचैन की जैकेट में करेंगे ऑरेंज कलर। शिनचैन की शॉर्ट्स और शूज में करेंगे येलो कलर। शिनचैन के सॉक्स में हम कोई कलर नहीं कर रहे हैं। डोरेमोन में करेंगे ब्लू कलर। फर्स्ट डोरेमोन के हैंड में करेंगे ब्लू कलर। डोरेमोन के स्टमक और फेस के आउटर कर्व को ही हम कलर करेंगे, मिडिल कर्व को हमें वाइट ही रखना है।
ड्राइंग इज कम्प्लीट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।